हाँ जी मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हो आप सभी लोग? सब बढ़िया। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लिटरली एक काफ़ी वैल्यूबल प्रोजेक्ट का फ्री एयरड्रॉप मैं आपको बताने वाला हूँ। क्रिप्टो के अंदर कोई जेन्युइन प्रोजेक्ट है ना, तो उसका एयरड्रॉप पाने के लिए भी थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि सब कुछ आपको फ्री पॉकेट में मिल जाएगा, थोड़ा बहुत तो काम करना है लेकिन इन्वेस्टमेंट जीरो है। इसके अलावा बिटकॉइन की चाल को इस समय काफ़ी लोग कन्फ्यूजन में देख रहे हैं क्योंकि एक सडन पंप एंड डंप हमें कल से ही देखने को मिल रहा है। या तो आपको कल मैंने टेलीग्राम पर आपके साथ एक न्यूज अपडेट शेयर करी थी। अच्छा, मैं ग्रीन, रेड और ऑरेंज कलर के सिग्नल भी आपको देता हूं न्यूज अपडेट के साथ, जिससे कि न्यूज अपडेट की गंभीरता आपको समझ में आए। तो यहां पर मैंने गुड करके और ऑरेंज साइन से एक अपडेट दी थी कि भैया ये पॉजिटिव अपडेट है और इसका असर आप देख सकते हो। कुछ ही घंटों बाद हमें बिटकॉइन के अंदर देखने को मिला, लगभग 31,500 का लेवल बीटीसी ने टच करा। लेकिन यहां पर ये जो पंप आया था वेल्स की एक्टिविटी के द्वारा था, यहां पर मैंने ये वाला अपडेट भी आपको दिया था। तो इसके बाद में वेल्स के अपडेट के बाद में एक सडन हमें शार्प डंप भी देखने को मिला और अभी वापस से बिटकॉइन जो है एक रेंज बाउंड के अंदर ही चल रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि इस रेंज के बाहर निकल गया, ब्रेकआउट हो गया या फिर ब्रेकडाउन हो गया, रेंज के अंदर चल रहा है। अब इस डंप का रीजन अगर आप देख रहे हो तो भैया इस डंप का रीजन है कल यूएस का प्राइवेट पेरोल डेटा निकल के आया था, जॉब रेट जो होती है वो डेटा निकल के आया था, जो कि एक्सपेक्टेशन से डबल था। कि भैया मार्केट एक्सपेक्टेशन थी 2,25,000 लेकिन नंबर निकल गया है 4,97,000, यानी कि डबल मार्केट के एक्सपेक्टेशन से। इसका मतलब क्या है कि यूएस की जो कंपनियां हैं वो अभी ले ऑफ नहीं कर रही है, लोगों की छटनी नहीं कर रही है, जॉब्स जो है वो अभी बढ़ती हुई जा रही है। अब जॉब बढ़ रही है मतलब कि लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करेंगे, लोन वगैरह उठाएंगे, जिससे कि फेडरल रिजर्व जो है वो आगे आने वाले दिनों में एफओएमसी की मीटिंग के बाद में रेट हाइक कर सकता है। तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव अपडेट थी जिसकी वजह से मार्केट पर हमें इस तरीके का इफेक्ट देखने को मिला। बाकी देखो, जब तक इस रेंज का ब्रेकआउट नहीं होता, ब्रेकडाउन नहीं होता, कोई बड़ा बिग मूव हमें देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है? तो मैं अभी वेट कर रहा हूं, या तो इस तरीके से इसका ब्रेकआउट हो या फिर ब्रेकडाउन हो, तभी जाके कोई अच्छा ट्रेड बनेगा। इसके अलावा दोस्तों, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे कहा, एक काफी वैल्यूएबल प्रोजेक्ट का मैं एयरड्रॉप आपको बताने वाला हूं। अब देखो, क्रिप्टो के अंदर दो तरीके से कमाई होती है, या तो आप काम करो या फिर आप थोड़ा इन्वेस्ट करो। लेकिन एयरड्रॉप ऐसा तरीका होता है जिसके अंदर आप थोड़ा बहुत काम भी करते हो और जीरो इन्वेस्टमेंट करते हो और एक काफी बड़ा प्रॉफिट भी कमा लेते हो। तो आज का ये जो एयरड्रॉप है ना, एक काफी तगड़े यूज केस वाले प्रोजेक्ट का है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि लेयर 1x के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। लेयर 1x क्या है, यहाँ पर आप वेबसाइट पर देख सकते हो, द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट इंटरऑपरेबल ब्लॉकचेन। अब ये क्यों इतना धांसू और इतना शानदार प्रोजेक्ट है? इंटरऑपरेबल ब्लॉकचेन क्या होती है? अभी क्रिप्टो स्पेस के अंदर एक प्रॉब्लम है, अगर आपको किसी एक ब्लॉकचेन से किसी दूसरी ब्लॉकचेन पर कोई टोकन ट्रांसफ़र करना है, ले जाना है, तो उसके लिए आपको एक ब्रिज की आवश्यकता होगी और आपको हाई फीस भी देनी पड़ेगी और उसके अंदर थोड़ा टाइम भी लगता है। लेकिन इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है, ये किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है? कि अगर इस ब्लॉकचेन पर कोई टोकन बनता है और उसको अगर आप किसी दूसरी ब्लॉकचेन पर ले जा रहे हो, तो इसके लिए कोई ब्रिज की ज़रूरत नहीं है और बिल्कुल नाम मात्र की फ़ीस होगी, यानी कि बहुत कम फीस होगी। और ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, स्केलेबिलिटी, स्पीड और सिक्योरिटी के ऊपर भी ये ध्यान दे रहे हैं। तो इतने दमदार प्रोजेक्ट का अगर कोई एयरड्रॉप आ रहा है और जब इनका टोकन मार्केट में लॉन्च होगा, तो उसकी वैल्यू क्या हो सकती है वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और इस प्रोजेक्ट की डिटेल से आपको काफ़ी न्यूज़ वेबसाइटों में अपडेट मिल चुकी, जैसे कोइन टेलीग्राफ, आप सभी जानते हैं कितनी रेपुटेड ये क्रिप्टो की वेबसाइट है। दिस लेयर वन ब्लॉकचेन ऑफर अ यूनिक डिसेंट्रलाइज इंटरऑपरेबिलिटी सॉल्यूशन। तो भैया इस प्रोजेक्ट के बारे में काफ़ी बड़ी बड़ी मीडिया वेबसाइटों ने भी कवरेज दी है। यहाँ पर आप कोइन ब्यूरो को जानते होंगे, यूएस का काफ़ी रेपुटेड और काफ़ी बड़ा ये चैनल है, तो कोइन ब्यूरो के न्यूज़लेटर में भी इसके बारे में बताया गया है। अब देखो, इस प्रोजेक्ट का एयरड्रॉप पाने के लिए बहुत सिंपल से स्टेप है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको क्या करना है, देखो, कोई भी प्रोजेक्ट अगर आपको फ्री में कोई एयरड्रॉप दे रहा है ना, तो उनका भी मतलब होगा, उनका भी फायदा होगा, तभी तो आपको वो फ्री में चीज दे रहे हैं। उनका फायदा कैसे होगा और आपका फायदा भी कैसे होगा, अभी क्या करना है आपको, इनके जितने भी सोशल मीडिया के लिंक्स हैं वो मैं अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, उनको जाके आपको फॉलो करना है। और जितना आप एक्टिव रहोगे, जितना इनके ट्वीट्स को फॉलो करोगे, लाइक करोगे, इनके सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप एक्टिव रहोगे, ये क्या करेंगे, उन सभी एक्टिव यूजर्स को एयरड्रॉप के माध्यम से इनका टोकन देंगे और इनका जो टोकन है वो जल्द से जल्द मार्केट में आने वाला है। तो अगर आपको इनका टोकन चाहिए तो भैया आपको इनके सारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करना है और वहाँ पर एक्टिव भी रहना है। एक्टिव का मतलब, जैसे इन्होंने ट्वीट डाला तो उसको लाइक और रीट्वीट करना है, तो बदले में आपको इनका एयरड्रॉप मिल जाएगा, इनका टोकन मिलेगा। अब देखो,
अगर आपको फ्री में कोई चीज़ चाहिए ना तो इतना थोड़ा बहुत तो काम करना ही पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ही आपके वॉलेट में ये फ्री में ट्रांसफर कर जाएंगे, तो इस चीज़ का तो हमें भी समझ है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है लेयर वन एक्स करके। बाकी इसके बारे में अगर आपको डिटेल से जानना है तो इनकी वेबसाइट पर जाके आप अच्छे से पढ़ सकते हो कि ये क्या प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहे हैं, कितना दमदार प्रोजेक्ट है और आगे आने वाले समय में लॉन्चिंग के टाइम ये कितना धूम मचा सकता है। तो काफ़ी अच्छा मुझे प्रोजेक्ट ये लगा और अगर आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है तो सारे लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो जरूर से जाके इसको देख लेना। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम करते, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।